इस ट्यूटोरियल में हम शॉट मैच करने के लिए कस्टम कर्व का उपयोग करेंगे। मैं इस फर्स्ट शॉट को सेकंड शॉट के साथ मैच करना चाहता हूँ। नाउ जब शॉट्स को एक दूसरे से मैच करने के लिए आरजीबी परेड का उपयोग किया जाता है तो लक्ष्य जरूरी नहीं कि प्रत्येक चैनल के ट्रेस एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाएं। यह आमतौर पर इम्पॉसिबल है बिकॉज सीन में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। इसके बजाय गोल प्रत्येक चैनल के बीच रिलेशनशिप को एनालाइज और रिप्लीकेट बनाना है। तो ऐसा कहने के साथ आइए हमारी पहली क्लिप को देखें जिसे हम क्रैक करना चाहते हैं। इसमें शैडो में नीचे की ओर ट्रेस हैं, जो यहाँ ज्यादातर ग्राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, लगभग जीरो को टच करने से लेकर 256 तक। फिर यहाँ एक गैप है जिसका मतलब है कि इन लो मिड टोन्स में कोई लुमिनेंस वैल्यू नहीं है। देन हमारे पास मिड टोन से लेकर हाइलाइट्स तक लुमिनेंस का एक गुड डिस्ट्रीब्यूशन है। हालांकि यहाँ मिड टोन में बहुत कम ब्लू के साथ ब्लू को ऊपर उठाया गया है। आइए इसको कंपेयर उस शॉट से करें जिसे हम यहाँ सेकेंड शॉट से मैच कर रहे हैं। हमारी शैडो पहले शॉट की तुलना में अधिक कंप्रेस्ड है, नॉट क्वाइट टू जीरो एंड अप टू अबाउट 128 और 130। हमारे पास पहले शॉट की तुलना में अधिक एक्सपेंडेड मिड टोन है, विशेष रूप से रेड चैनल जो काफी अधिक फैला हुआ है। ग्रीन एंड ब्लू चैनल थोड़े अधिक कंप्रेस्ड हैं और ब्लू ग्रीन से थोड़ा और अधिक कंप्रेस्ड है। इसलिए यदि हम फर्स्ट शॉट को सेकेंड शॉट से मैच करना चाहते हैं तो हम इन रिलेशनशिप्स के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। नीचे की ओर अधिक बंच अप शैडो डिटेल है और ऊपर रेड ग्रीन एंड ब्लू चैनल के बीच अधिक स्टेगर्ड रिलेशनशिप है जिसमें ग्रीन एंड ब्लू की तुलना में रेड में अधिक स्प्रेड है। शुरू करने के लिए आइए पहली क्लिप सेलेक्ट करें। चलिए ऑप्शन एस के साथ एक नोड ऐड करते हैं, इसे रीनेम करेंगे शॉट मैच। इसके बाद मैं सेकंड शॉट पर राइट क्लिक करूंगा और वाइप टाइमलाइन क्लिप चूज करूंगा। ऐसा करने से इस टाइमलाइन क्लिप के साथ इमेज वाइप एंगेज हो जाता है और हमें कोई स्टिल लेने की आवश्यकता नहीं है। आप शायद पहले से जानते होंगे कि ऑप्शन और अल्ट डब्ल्यू हमें इस वाइप को स्वैप करने की अनुमति देगा, बट आप कमांड और कंट्रोल डब्ल्यू के साथ वाइप को ऑफ एंड ऑन भी कर सकते हैं। हमें यहाँ इसे रिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज शॉर्ट्स की कंपोजिशन बहुत समान है। इस बार प्राइमरी बार्स का उपयोग करने की बजाय हम कस्टम कर्व का उपयोग करते हैं। रेड कर्व को आइसोलेट करने के साथ मेरा पहला टूल फर्स्ट शॉर्ट से मैच करने के लिए शैडो को कंप्रेस्ड करना है। मैं शैडो के पास एक पॉइंट ऐड करने के लिए शिफ्ट क्लिक करूंगा और नीचे खींचूंगा। नोटिस करें कि जैसे ही मैं इसे नीचे खींच रहा हूं, अदर चैनल सेम टाइम पर मूव कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिफॉल्ट रूप से जब मैं एडजस्टमेंट करता हूं तो रिसोल लुमिनेंस को मेंटेन रखता है। इन अदर वर्ड्स यह ब्राइटनेस लेवल को सेम रखने के लिए अदर कलर चैनल को एडजस्ट कर रहा है। यह अक्सर एक कलरिस्ट चाहता है, इसलिए आप लुमिनेंस में चेंज किए बिना कलर को एडजस्ट करने पर फोकस कर सकते हैं, बट इन दिस केस यह बीच में आ जाता है। मैं इसे डिलीट करने के लिए इस कंट्रोल पॉइंट पर राइट क्लिक करने जा रहा हूं। नाउ मैं लुमा मिक्स को डिफॉल्ट 100 से घटाकर 0 कर दूंगा। अब जब मैं वापस अपने कर्व पर आता हूं, तो पॉइंट ऐड करने के लिए शिफ्ट क्लिक करूंगा और इसे नीचे खींचूंगा। नोटिस करें कि केवल रेड चैनल के ट्रेस ही मूव कर रहे हैं और ग्रीन एंड ब्लू चैनल के ट्रेस स्टिल हैं। मैं शैडो को हमारे रेफरेंस शॉट के समान ही कंप्रेस करने का प्रयास करूंगा। बाय द वे आप लूमा मिक्स को डिफॉल्ट रूप से 0 पर सेट कर सकते हैं। मैं प्रोजेक्ट सेटिंग पर जाने के लिए शिफ्ट 9 को प्रेस करूंगा। इन द जर्नल ऑप्शन अंडर कलर यहाँ आप लुमिनस मिक्सर को डिफॉल्ट रूप से 0 पर सेट करने के लिए इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। अब मैं इस प्रोसेस को रिपीट करूंगा। ग्रीन चैनल के साथ मैं इसे आइसोलेट करूंगा। शिफ्ट क्लिक टू ऐड ए पॉइंट एंड पुल डाउन एंड विद द ब्लू चैनल आई डू द सेम थिंग। मैं इन शैडो ट्रेस को हमारे रेफरेंस शॉट के कंप्रेशन से मैच करने के लिए कंप्रेस करने में सक्षम रहा हूं, बट ये सभी थोड़े कम हैं, इसलिए मैं प्राइमरी में जाऊंगा एंड देन मैं ऑफसेट के लिए प्राइमरी व्हील्स पर जा रहा हूं और इन्हें थोड़ा ऊपर उठाने के लिए मास्टर व्हील को ड्रैग करूंगा। फिर उन्हें थोड़ा और नीचे लाने के लिए इन्हें ठीक करें। मैं कलर को जितना संभव हो सके उतना अच्छे से मैच करने की कोशिश करने के लिए व्यूअर पर नजर रख रहा हूं। हमने जो अब तक करेक्शन की है उसे हम कमांड या कंट्रोल डी के साथ ऑफ एंड ऑन करके देख सकते हैं।
नाउ दोनों शॉट्स में ग्राउंड के कलर और लुमिनस बहुत बेहतरीन तरीके से मैच हो रहे हैं। अब मैं स्काई को मैच करूंगा, लेकिन हमें स्काई में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। हमारे रेफरेंस शॉट में बहुत अधिक सियान है। सियान रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, इसलिए यदि हम रेड रिमूव करते हैं तो हमें सियान को ऐड करना चाहिए और यह उससे मैच होता है जो हम ट्रेस में करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास हाइलाइट्स में रेड है जो हमारे रेफरेंस शॉट में नहीं है, इसलिए मैं रेड को आइसोलेट करूंगा और मैं टॉप कंट्रोल पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और नीचे खींचूंगा। मैं हाइलाइट्स में सियान को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। क्लाउड खुद भी सियान है और यह डार्क भी है, इसलिए मैं शिफ्ट क्लिक करके एक और कंट्रोल पॉइंट ऐड करूंगा। शिफ्ट क्लिक इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं कर्व को कहीं मूव न कर दूं। समवेयर इन द मिड्स एंड पुल डाउन देयर एज वेल। मैं ग्राउंड के कलर को अफेक्ट कर रहा हूं जो मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं शेडो के करीब एक और पॉइंट ऐड करूंगा और थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करूंगा। I'll make sure my image wipe is selected और इन दोनों के बीच ड्रैग करूंगा। मैं कमांड या कंट्रोल डी को इस करेक्शन को ऑन एंड ऑफ करने के लिए प्रेस करूंगा और हम लेफ्ट साइड के शॉट के काफी करीब पहुंचने में कामयाब रहे। शॉट्स के बीच वाइपिंग की बजाय इनको कंपेयर करने का दूसरा तरीका व्यूअर में दोनों शॉट्स को उनकी इंटायरिटी के साथ देखना है। मैं वाइप को बंद कर दूंगा और इन दोनों शॉट्स को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट क्लिक करूंगा। देन मैं ये जो 3 डॉट्स हैं इन पर क्लिक करूंगा और फिर स्प्लिट स्क्रीन पर जाऊंगा। देन सिलेक्टेड क्लिप्स को चूज करूंगा। इस तरह मैं एक ही समय में दोनों क्लिप देख सकता हूं। हम जिस भी क्लिप को सिलेक्ट करेंगे उसके नोड्स हमें दिखाई देंगे, इसलिए आप सेम टाइम पर दोनों क्लिप को देखते हुए एडजस्टमेंट करना कंटिन्यू रख सकते हैं। मैं फिर से 3 डॉट्स पर क्लिक करूंगा और फुल सिंगल व्यू पर वापस जाने के लिए करंट ग्रुप को चुनूंगा। तो हमने देखा कि हम कैसे प्राइमरी व्हील्स या प्राइमरी बार्स या कस्टम कर्व को यूज करके ऑटोमेटिक शॉट मैचिंग और मैनुअल शॉट मैचिंग कर सकते हैं और स्टिल को ग्रैब या टाइमलाइन से डायरेक्टली रेफरेंस क्रिएट करके रेफरेंस बना सकते हैं। आप मल्टीपल प्लेहेड्स ऐड कर सकते हैं और उन प्लेहेड लोकेशन पर स्प्लिट स्क्रीन को बेस कर सकते हैं। यदि मैं कलर मेनू में जाता हूँ तो मेरे पास 3 एडिशनल प्लेहेड्स ऐड करने का ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्लेहेड बी को सिलेक्ट करूंगा। मैं या तो किसी क्लिप पर क्लिक कर सकता हूं या किसी क्लिप को सिलेक्ट करने के लिए इस प्लेहेड को टाइमलाइन में कहीं और ले जा सकता हूं। एंड नाउ आई हैव प्लेहेड ए एंड प्लेहेड बी। मैं उनके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ और इन्हें मूव भी कर सकता हूँ। मैं एक और ऐड करता हूँ, प्लेहेड सी। मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करूंगा एंड देन मैं एक और ऐड करूंगा, प्लेहेड डी। आई सिलेक्टेड दिस क्लिप और आप प्लेहेड को किसी अनदर लोकेशन पर ले जाकर चेंज कर सकते हैं कि कौन सी क्लिप चुनी जाए। एक बार जब आप इन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके स्प्लिट स्क्रीन व्यू पर जाएंगे और फिर प्लेहेड्स को चूज कर सकते हैं और फिर उस प्लेहेड ऑप्शन के बेस पर आप इन अलग अलग प्लेहेड में से प्रत्येक को अपनी स्प्लिट स्क्रीन के पार्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप इन्हें मूव कर सकते हैं और इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। तो स्प्लिट प्लेहेड्स के बेस पर कलर करेक्शन क्रिएट करने के लिए बस एक और ऑप्शन। जब आपका काम हो जाए तो आप कलर मेनू पर वापस जाएं, एक्टिव प्लेहेड पर जाएं और रीसेट चूज करें। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल पसंद आया तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वीडियो को देखना न भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कलर ग्रेडिंग। बाय फ्रेंड्स।